पीएसएल के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आई है। इफ्ती मानिया यानी इफ्तिखार अहमद और रायली रूसो के दरमियान ट्रेड कर लिया है मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लेडिएटर ने। अब ये हुआ है कि मुल्तान सुल्तान ने इफ्ती मानिया को ले लिया है और क्वेटा ग्लेडिएटर में चले गए हैं रायली रूसो। तो जिसका मतलब ये है कि इफ्ती मानिया अब खेलेंगे मुल्तान सुल्तान की तरफ से। उसके बाद बड़ी अपडेट ये है नसीम शाह के हवाले से कि नसीम शाह ने पहले जो है वो उनकी ट्रेड का इशू चल रहा था पेशावर ज़ल्मी के साथ, उसके बाद और भी टीमों ने जो है वो उनको अप्रोच किया, लेकिन इस्लामाबाद के साथ भी उनकी डील नहीं हो सकी और मुल्तान सुल्तान के साथ भी मामला तय नहीं पा सके। इस वजह से जो है वो ज़राए अब ये कहते हैं कि नसीम शाह जो है हो सकता है कि वो अब जो है वो ड्राफ्ट में जाएंगे। अगर वो ड्राफ्ट में जाते हैं तो पहली पिक जो है क्वेटा ग्लेडिएटर के पास थी वो अब मुल्तान सुल्तान की तरफ शिफ्ट होगी है ट्रेड की सूरत में। तो जिसका मतलब ये है कि अगर नसीम शाह वो ड्राफ्ट में जाते हैं तो मुल्तान सुल्तान उनको पिक कर लेगी। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है पीएसएल के हवाले से और जो मुमकिन अब ट्रेड चल रही है टीमों का आपस में चल रहा है एक दूसरे के साथ। तो बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए ये है कि शान मसूद को कराची किंग ने अप्रोच किया है कि वो एज अ कैप्टन रिप्लेस करें क्योंकि इमाद वसीम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस हवाले से कराची किंग अप्रोच कर रही है शान मसूद को। और जेम्स विन की बात करें तो उनका भी मुल्तान सुल्तान के साथ ट्रेड का सिलसिला चल रहा है। शाहनवाज दानी जो है वो भी कराची किंग में जा रहे हैं, मुल्तान सुल्तान में थे इसलिए वो अब कराची किंग और मुल्तान सुल्तान के दरमियान ये ट्रेड की जो है वो एक बड़ी अपडेट चल रही है। ये हमें आने वाले दिनों में जो है वो एक बड़ी ट्रेड मिल सकती है इस हवाले से। तैयब ताहिर की बात करें, मोहम्मद नवाज जो है वो कराची किंग में जा सकते हैं क्वेटा ग्लेडिएटर की सूरत में और उनका भी ट्रेड का जो है वो इशू चल रहा है। तो मजीद उनके मामला जो है वो बन सकते हैं। मोहम्मद आमिर चूँकि वो भी क्वेटा ग्लेडिएटर में जाएंगे क्योंकि इमाद वसीम के बाद जो है वो आमिर ने भी कराची किंग छोड़ दिया है। तो ये बड़ी ट्रेड पीएसएल के हवाले से हमें सामने आ रही है। तो ये जो पीएसएल के हवाले से अभी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी। मजीद आपके साथ जो भी 13 दिसंबर को ड्राफ्ट होना है लाहौर के अंदर आपके साथ हर तरह की जो है वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पीएसएल के हवाले से शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।